स्कूल के प्ले विश्वामित्र में मैंने एक पार्ट निभाया था। दीदी आप भी तो आई थी वो प्ले देखने, याद है? बताइए तो मैंने उसमें किसका रोल निभाया था? उर्वशी। और आपको ये भी याद होगा कि उस रोल के लिए मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। हाँ। और उसके बाद पूरे स्कूल में मुझे लोग दुर्गा कम उर्वशी के नाम से ज्यादा बुलाने लगे थे। तो बस श्री को ये बात पता चल गई और वो मुझे जानबूझकर उर्वशी बुलाती है, क्योंकि वो जानती है कि उर्वशी का नाम सुनकर मेरे चेहरे पर स्कूल के दिन याद करके मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन आज मेरे दिल में दुख है कि मुझ पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। आर्यन, मैं सीता नहीं हूं जो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दुर्गा हूं, सच्चाई के लिए लड़ना जानती हूं, अपने हक की रक्षा करना जानती हूं। अब तुम मुझे इस बात का जवाब दो, एक झूठ का सहारा लेकर मैं इस घर में क्यों आती? क्या फायदा हो सकता था मेरा? कितना सही सवाल किया है तुमने कि दुर्गा बनने में तुम्हारा क्या फायदा है। आर्यन की तरह मैं तुम पर तुम्हारी दलीलों पर विश्वास नहीं कर पाया था, जबकि तुम 3 साल बाद इस घर में दुर्गा बनकर लौटी। तुमने सबको विश्वास दिलाया कि तुम ही दुर्गा हो, लेकिन मैं अपने मन को मना नहीं पाया। और अभी थोड़ी देर पहले बाय चांस मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आ रहा हूं जो पेशे से एक वकील है। उसने दुर्गा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई। क्या तुम ये नहीं जानती थी कि सुमित्रा की छोटी बहन दुर्गा और सुमित्रा और दुर्गा की नानी दुर्गा के नाम पर 18 करोड़ की जायदाद छोड़ के गई? क्या तुम ये भी नहीं जानती थी कि जब दुर्गा 25 साल की हो जाएगी तब ये 18 करोड़ दुर्गा के नाम पे हो जाएंगे? और क्या तुम ये भी नहीं जानती थी कि ठीक 2 दिन बाद दुर्गा 25 साल की होने वाली है, उसका जन्मदिन है? ये क्या बोल रहे हो तुम आदित्य? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? आदित्य बात कहां की कहां पहुंच रही है, 18 करोड़ की जायदाद। हाँ भैया, 18 करोड़ की जायदाद, पूछिए इसे, क्या उसके बारे में नहीं जानती थी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। सुन लिया आप सबने, चेहरा कितना भोला लेकिन दिमाग कितना शातिर, कितनी चालाकी से हमारे घर में घुस के हमारे घर के बारे में और बिचारी दुर्गा के बारे में जानकारी हासिल कर ली। दुर्गा के जाने का जो दुख हमारे दिल में था, दुर्गा के लिए जो प्यार हमारे दिल में था, उसका फायदा उठाया तुमने। और अब 18 करोड़ की जायदाद का फायदा उठाने का इंतजार कर रही थी तो।